बाद में मीडिया के अंदर जनाब सैयद समर साहब और इस्माइल प्रिंट मीडिया के तमाम अहदेदार इस्माइल वाली साहब और यहाँ पर मौजूद छोटे अखबार के मुदीरान ऑफिशियल और हाजिर जब से बहुत ही तवील वाक्य में मसाइल के ताल्लुक से अफसर और अखबारों के उर्दू अखबार के मसाइल के ताल्लुक से आवेदन सुनना था हमने भी कहा और बहुत से लोगों ने यहाँ पर कहा। मेरी नज़र में उर्दू अखबार में मसाइल ज़्यादा है और मसाइल कम उर्दू अखबार मसाइल बहुत ज़्यादा है चाहे उर्दू के बड़े अखबार लीजिए या छोटे अखबार लीजिए। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि मेरी भी शुरुआत थी सहाफत से हुई और मैं सहाफत से वाबस्ता रहा कई साल तक। जहाँ तक बड़े अखबार का ताल्लुक है आप देखिए कि बड़े अखबार की शाद क्या है 25,000 50,000 60,000 यहाँ पर मेरे बड़े भाई अजीत अहमद साहब मौजूद हैं वो जॉइंट एडिटर है और उर्दू अखबार से तकरीबन मैं समझ रहा हूँ 30-35 साल से सहाफत से वाबस्ता आए तो वो सारे मसाइल जानते हैं 50,000 60,000 जबकि आप उर्दू अखबार की इशार कीजिए सिर्फ एक मंडल 20 से 25 हज़ार अखबार एक मंडल में होता है। अब हर जिले में उर्दू अखबार की एक ऑफिस है वो ऑफिस इतनी शानदार है और इतनी बिल्कुल आपके इस्टाब्लिश ऑफिस है आपके उर्दू अखबार की हेड ऑफिस भी इतनी नहीं है जितनी की बिल्डिंग को लोग यात्रा में मौजूद है। हर जिले में लीजिए आप सांची का ऑफिस है नाड़ू का ऑफिस है पाटा का ऑफिस है सुपर एक्सप्रेस स्मॉल प्रिंट मीडिया अब्दुल समद साहब और हमारे प्रोफेसर अब्दुल शुक्र साहब सेक्रेटरी और डायरेक्टर उर्दू अकेडमी हजरा हमारे उर्दू अकेडमी के नए सदर मेरे भाई अफजलुद्दीन साहब और हमारे अजीज़ अहमद साहब जो हमारे ख़ास इनायत फरमा है और आप जानते हैं कि एतमाद पेपर में आपका काफ़ी असर पाया जाता है और मंजिल जमात में भी माशाल्लाह काफ़ी आपका असर है और जनाब अब्दुलरज़ाक साहब और नसीरुद्दीन खादरी साहब मोहम्मद इंडिया साहब मोहम्मद इस्माइल साहब और आज के मेहमान खुसूसी जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब जो मध्य प्रदेश से आए हैं साबिका वजीर और साबिका चेयरमैन और मेरे तमाम जर्नलिस्ट भाइयों आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि उर्दू के ताल्लुक से और उर्दू जर्नलिस्ट जम के ताल्लुक से। देखिए साहब एक ज़माना पहले ऐसा था उर्दू खुद यहाँ की मादरी जबान थी चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो या डॉक्टर छिन्ना रेड्डी राव उर्दू मीडियम में हासिल कर कर वजीर आजम बन चुके एक चीफ मिनिस्टर बन चुके मगर आज हमारे बच्चे खुद भी उर्दू मीडियम स्कूल में तालीम हासिल करने से कतराते हैं। यकीनन हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए पर ज़रूर उस स्कूल में पढ़ना चाहिए जिस स्कूल में एक सब्जेक्ट उर्दू मीडियम का ज़रूर होना चाहिए। आज बहुत से कृष्णा मिश्र स्कूल है जहाँ उर्दू जरिए तालीम नहीं है और बड़ी अफसोस होता है मुझे ये कहते हुए भी अफसोस होता है शर्म भी आती है कि उर्दू ख़त्म करने वाले कौन है। हुकूमत तो कभी भी देखिए तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं मगर तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद उर्दू का सबसे ज़्यादा खात्मा हुआ तो इन आंध्रा वालों की तरफ से हुआ। उर्दू जबान आज कई स्टेट में आई आंध्र प्रदेश के तकरीबन 17 स्टेट में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है मगर इम्प्लीमेंट कहीं नहीं है जीरो के बराबर हत्या के मैं काउंसिल जा रहा हूँ काउंसिल में खुद भी जो है उर्दू में बोर्ड नहीं है और काउंसिल के अंदर जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर उर्दू के 2-3 अशार है उसके ऊपर इतना मतलब धूल गरज जमी हुई है कि हमारे डिपार्टमेंट को उसको साफ करने की भी जहमत नहीं हो रही। उर्दू को मुस्तसिल हुकूमत की जानिब से ख़त्म करते जा रहे हैं। यकीनन मैं शुक्र साहब को वेलकम करता हूँ कि वो आने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़बान की हिफाजत हो मगर हमारे लिए बजट बिल्कुल नाकाफी है। आज हमें जो बजट दिया